आधुनिक भारतीय नारी। नर तथा नारी समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास में कई बार ऐसा दिखाई देता है कि पुरुष समाज को नारी समाज पर श्रेष्ठता प्राप्त होती रही है। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में ही नारी घर की चार दीवारी में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करती थी। स्त्री को माता का जो महान और भव्य रूप भारतीय शास्त्रकारों ने दिया है, वह संसार के किसी भी देश काल के जातीय इतिहास में उपलब्ध नहीं होता। उसे देवी कहकर पुकारा गया और उपासना आराधना की वस्तु की संज्ञा दे दी गई। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे चरण भी आए जब नारी की उपेक्षा की गई और उसे भोग की वस्तु बना दिया गया। विशेषकर मध्यकाल में नारी की दशा शोचनीय बनकर रह गई, लेकिन आधुनिक काल में नारी ने करवट ली और अपना कायाकल्प कर डाला। वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती गई, लेकिन आधुनिक काल में आज की नारी दोहरी भूमिका निभा रही है। उसे अपने क्षेत्र जो है उसका बढ़ गया है, उसका कर्तव्य बढ़ गया है। आज एक ओर वह विवाहित रूप में घर का दायित्व संभालती है तो दूसरी ओर बाहर के काम भी करती है। कुछ कमाकर अपने पति के घर के खर्च का हाथ भी बटाती है। अविवाहित नारी भी नर के समान बाहरी क्षेत्रों में कार्य करके अपनी क्षमता का परिचय देती है और कुछ अर्जित करके अपने परिवार की दशा सुधारने में योगदान देती है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारी पदार्पण करके अपनी प्रतिभा का परिचय न दे। नारी ने हर क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो उसका बोलबाला है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी वह अपनी कुशलता का परिचय दे रही है। सरकारी कार्यालयों में वह पुरुष के बराबर काम कर रही है। कामकाजी महिलाओं की निरंतर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसार ने उनके लिए प्रगति के सभी द्वार खोल दिए हैं। खेद की बात यह है कि कुछ दकियानुसी विचारे वाले लोग आज भी नारी को घर की चार दीवारी में रखना चाहते हैं। उनको यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए, क्योंकि भारतीय नवजागरण के आलोक में नारी ने अपनी सत्ता, महत्व, प्रतिभा और गौरव को पहचाना है। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के प्रयत्नों से नारी में निहित हीन भावना दूर हुई और उसने अपनी क्षमताओं को पहचाना। इधर साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी को पुरुष के चंगुल से निकालकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज की नारी प्राचीनता की केंचुली उतारकर एक नए आलोक में जी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति और नवजागरण के बाद नारी के कर्तव्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है। आज उसे दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ रहा है। एक रूप में वह माँ और पत्नी के रूप में घर का सारा कामकाज करती है तो दूसरे रूप में वह वारी जीवन में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे रही है। उसे अपने घर और बाहर में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। आज की बढ़ती महंगाई में ऐसी नारियों की आवश्यकता है। जिस प्रकार पक्षी नीड से बाहर रहकर अपने बच्चों के लिए दाना चुगते हैं, उसी प्रकार से संध्या के समय लौटकर नारी भी अपने बच्चों को देखती है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। आज आवश्यकता है नारी के महत्व को समझने की। नारी का महत्व यदि समझते हैं तो हमें उन्हें पुरुष के समान ही आदर देना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष के समान ही कार्य कर रही है। निश्चित रूप से परिवार, समाज और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नारी का कर्तव्य यह है कि वह स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग ना करे, मर्यादित जीवन व्यतीत करे तथा घर परिवार के प्रति पूरी आस्था रखने वाली बने। धन्यवाद मित्रों।